मुजफ्फरनगर रुड़की रोड स्थित दीपक पैलेस में मां सरस्वती ट्रस्ट मुजफ्फरनगर की ओर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान ही सिंगिंग डांसिंग एंड एक्टिंग कंपटीशन में जनपद के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा दिखाकर शानदार प्रदर्शन किया। सभी का मन मोह लिया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मुख्य समाज सेवी मनीष चौधरी ने कहा कि जनपद में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, किंतु जरूरत है केवल उन्हें निखारने की। किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? देखिये माननीय, आप देखते हैं अभी कुछ समय पहले कुछ अनेकों स्कूल से मां सरस्वती ट्रस्ट द्वारा बहुत छोटे छोटे बच्चों के लेकर के एक आयोजन किया गया था, जिसमें ट्रायल हुआ था, लेकिन आज उसका फाइनल कंपटीशन यहाँ पर दीपक पैलेस में हो रहा है। और ये बहुत अच्छी पहल हमारे मुजफ्फरनगर की, इतने छोटे छोटे बच्चों के अंदर जितने भी उनकी प्रतिमाएं अंदर हैं वो आप सबके माध्यम से सारे जगत में जाएगी और अब मुजफ्फरनगर का नाम रोशन करने में बहुत सहायक रहेगी। हम आशीर्वाद देते हैं अपनी ओर से, पूरी टीम की ओर से, कि ये बच्चे हमेशा पूरा अपने भारत का नाम रोशन करें और अपने भारत मुजफ्फरनगर जिले का नाम, जो कि सर्वप्रथम पूरी इंडिया के अंदर सबसे अच्छा जिला है, तो इसका कहीं ना कहीं श्रेय पूरी इस टीम को जाता है जो आज यहाँ पर सब आए हैं। सभी गणमान्य व्यक्ति द्वारा सभी को आशीर्वाद दिया गया हमारी ओर से भी, और इस ट्रस्ट को इतना जितना कि बच्चों का हुनर दिखाकर यहाँ पर इतना प्रयास किया गया है कि कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया मैसेज समाज में जाने का है। और ये जो सब देन है आर के ट्रस्ट की है। जय हिंद, जय भारत। ये माँ सरस्वती संगीत ट्रस्ट का जो है जिले वाइज प्रोग्राम हुआ है, उसमें मैं अपनी और अपने सभी साथियों की ओर से उन्हें बधाई देता हूं कि वो इस तरह के प्रोग्राम आने वाले समय में भी करते रहे, ताकि हमारे मुजफ्फरनगर की जो प्रतिभाएं छुपी हुई प्रतिभाएं गांवों से शहरों में जाने का काम करेंगी और हमारे मुजफ्फरनगर का नाम रोशन करेंगी।